अगली खबर में बात करते हैं ग्वालियर की, जहां पुलिस जवानों को चकमा देकर फरार हुए छात्र के अपहरण और हत्या के आरोपी जयपाल उर्फ मुकेश की तलाश में पुलिस की टीमें ग्वालियर, आगरा और दिल्ली पहुंची। फिलहाल आरोपी पुलिस के हाथ नहीं आया है। इसके साथ ही पुलिस उसके करीबियों पर भी नजर रखे हुए है। एक टीम झांसी में भी डेरा जमाए हुए है। इस मामले में एक सब इंस्पेक्टर सहित 3 पुलिस कर्मियों को एसएसपी ग्वालियर ने सस्पेंड कर दिया है और थाना प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। शहर के बहोड़ापुर इलाके में रहने वाले एक छात्र रामकुल शर्मा के अपहरण और हत्या में 9 साल से फरार आरोपी जयपाल उर्फ मुकेश परिहार की लोकेशन पुलिस को दिल्ली में मिली थी, जिस पर पुलिस किसी तरह उसके ठिकाने पर पहुंची और उसे शुक्रवार को दिल्ली से दबोच लिया। इस मामले में कुल 9 आरोपी थे, जिनमें 8 आरोपी पूर्व में गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं, लेकिन यह अपने आप को मृत घोषित कर रहा था। आपको बता दें कि बहोड़ापुर इलाके में रहने वाले प्रांकुल शर्मा का जयपाल उर्फ मुकेश परिहार और उसके साथियों ने साल 2013 में अपहरण कर लिया था। बाद में डबरा के पास सिंध नदी में ले जाकर उसकी हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद भी आरोपी उसके परिवार से फिरौती की मांग करते रहे। बाद में इस बच्चे की लाश शिवपुरी में बरामद की गई थी। यह आरोपी के माता पिता भी इस वारदात में शामिल रहे थे। उनका सोचना था कि बेटे को मरा हुआ घोषित करके उसे गिरफ्तारी और कानूनी दाव पेच से बचाया जा सकेगा, लेकिन ऐसा ना हो सका। पुलिस ने उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया था। यहाँ पुलिस को पता लगा था कि वह नए नाम और पहचान से वहां रह रहा था। उसने नई पहचान के दस्तावेज भी बनवा लिए थे, पर अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। आरोपी पुलिस कस्टडी से फरार हो गया है। क्राइम ब्रांच व बहोड़ापुर थाना पुलिस ने छात्र प्रांकुल का अपहरण कर हत्या करने वाले मुकेश परिहार को दिल्ली से पकड़ा था और उसकी गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। आरोपी के पकड़े जाने पर बहोड़ापुर थाना पुलिस कोर्ट पेशी से पहले उसकी उम्र का वेरिफिकेशन करने के लिए उसे लेकर घास मंडी स्थित स्कूल लेकर गई थी। यहाँ पर मुकेश परिहार एसआई तथा 2 हवलदारों को धक्का देकर फरार हो गया था। अब पुलिस उसको वापस हवालात में डालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। फरार बदमाश की तलाश में पुलिस की आधा दर्जन से ज्यादा टीमें लगी हैं। पुलिस की 2 टीमें आगरा झांसी में डेरा जमाए हैं, तो एक टीम दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर उसके ठिकाने पर पहुंची है, जहां ताला लगा मिला है। आरोपी के भागने के बाद पुलिस ने लोकल बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन की निगरानी के साथ ही सड़क मार्ग पर पहरा बिठा दिया है और आधा दर्जन से ज्यादा पुलिस कर्मियों को अलग अलग स्थानों पर तलाशी के लिए लगाया गया है। वहीं 3 थाना प्रभारी बल के साथ पूरा सड़क मार्ग सर्च कर चुके हैं, क्योंकि पुलिस अफसरों का मानना है कि आरोपी ट्रक या अन्य साधन से लिफ्ट लेकर निकल सकता है। एसएसपी ग्वालियर अमित सांघी का कहना है कि आरोपी की तलाश में टीमें लगी हैं और जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। इस मामले में जांच की जा रही है और जांच में जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी।